हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इरफान और आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल सेहत रात में। दोस्तों, क्या आपके प्रेगनेंसी का पहला महीना, दूसरा महीना या तीसरा महीना चल रहा है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पहले प्रेगनेंसी के पहले तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, यानी आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और आपको किस चीज़ों से बचना है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसे आप सिंपली क्लिक कर दें, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिया, उसके ठीक बगल में, उसके जस्ट बगल में आपको एक बेल आइकॉन भी नज़र आ रहा होगा, यानी कि घंटी का बटन भी नज़र आ रहा होगा, उसे भी क्लिक कर दें। दोस्तों, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे तो आपको बस मैसेज नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा मैंने कोई एक वीडियो डाली है, और दोस्तों मेरी वो लेटेस्ट वीडियो आप देख सकेंगे फ्री में। दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, दोस्तों मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप ये सारी भी वीडियो देख सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। दोस्तों, आपको वो सारी चीज़ें खानी हैं जिसमें फॉलिक एसिड हो, जिसमें विटामिन हो, जिसमें ओमेगा 3 हो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो, जिसमें आयरन अधिक मात्रा में हो। दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें खानी हैं, तो नीचे मैं आपको बहुत सारा लिस्ट में बताने वाला हूँ, आप इन सारी चीज़ों को खा सकती हैं और अपने प्रेगनेंसी में अपने बच्चे के लिए और अपने आप को सेहतमंद हेल्दी रखने के लिए आप ये सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है पालक। पालक में आयरन होता है और आयरन हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि खून की कमी को दूर करता है, और जैसा कि आपको पता होगा प्रेगनेंसी में खून की मात्रा कम होने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप पालक का सेवन ज़रूर करें। अंडा, अंडा में प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम होती है, जो कि प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। दोस्तों, उसी तरह से सालमन मछली आप खा सकते हैं, सालमन मछली में कैल्शियम और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि आपके प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह से इसमें फैटी एसिड भी मिल जाएगा आपको, विटामिन डी भी मिल जाएगा, जो कि प्रेगनेंसी में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस सालमन मछली में मिल जाएगा। दोस्तों, उसी तरह से आपको संतरा खाना है, संतरे में विटामिन सी और फॉलिक एसिड होती है, जो कि आपके बच्चे, आपके भ्रूण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, उसी तरह से आपको दही, दही में कैल्शियम मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पानी पीने में किसी भी तरह की कमी नहीं करनी है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, यानी कि आपको आपको यूरिन जितना बार भी लगे आपको उसका चिंता नहीं करना है, आपको पानी पीते रहना है। दोस्तों, पानी पानी की कमी आपके प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उसी तरह से आपको बादाम में आपको विटामिन मिल जाएंगी, ओमेगा 3 मिल जाएगी, फैटी एसिड और प्रोटीन भी अधिक मात्रा में मिल जाती है, तो आप बादाम का भी सेवन कर सकती हैं। दोस्तों, चिकन सूप आप ज़रूर पिए, चिकन सूप में आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, इससे आपके ब्लड लेवल बढ़ेंगे, खून की कमी दूर होगी और आप स्वस्थ प्रेगनेंसी यानी हेल्दी रह पाएंगी। दोस्तों, उसी तरह से आप भिंडी में फॉलिक एसिड बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, तो आप भिंडी का सेवन भी प्रेगनेंसी में कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का सस्पिशियस लगे, यानी कुछ भी बहुत ही अलग लग रहा हो, तो दोस्तों अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में गर्भपात यानी अबॉर्शन, मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको किसी भी तरह का डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो दोस्तों अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म भी हो सकती है। आपको ये सारे बातों को ख्याल में रखना है, ये सारे बातों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है। दोस्तों, आपको भारी वज़न नहीं उठाना है किसी भी हालत में, और दोस्तों अगर आपका प्रोफेशन डांस है या आपको डांस करना पसंद आता है, तो दोस्तों प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में आप डांस ना करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, सीढ़ियाँ आपको नहीं चढ़ना है, लंबी लंबी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, और दोस्तों अगर आप हील वाली चप्पल पहनती हैं तो आप हील वाली चप्पल ना पहने। दोस्तों, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है प्रेगनेंसी के पहले 30 तिमाही में। आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, दर्द होना, बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, आपको बिना कोई डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई परमिशन से दोस्तों आपको कोई भी दवा नहीं लेना है, चाहे वो पेन किलर हो या किसी भी तरह का दवा। अपने डॉक्टर से एडवाइस ले, कंसल्ट करें, तभी कोई दवा आपको मेडिसिन लेनी है। दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग खुद से करते हैं तो आपको ड्राइविंग प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में नहीं करनी है। दोस्तों, लंबी यात्रा ना करें। अगर आप कोई लंबी यात्रा कहीं ट्रैवल के लिए सोच रही हैं पहली तिमाही में, तो दोस्तों आपको नहीं
ट्रैवल करनी चाहिए, आपको लंबी ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। आप घर पे पहली तिमाही तक आप घर पर बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही केयरफुली आपको ये सारी चीज़ों को ख्याल में रखना है। दोस्तों रस्सी कूदना भी बहुत लड़कियों को औरतों को पसंद होती है, तो आप ये सारी चीज़ें ना करें प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में। दोस्तों कमर से झुकने के बजाय आप घुटने में मुड़कर बैठें, दोस्तों कमर से झुकने के बजाय आप घुटने में पहले बैठ कर आप कोई चीज़ें उठाएँ, दोस्तों आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको ना ही अंगूर खाना है, ना ही अनानास यानी पाइनएप्पल भी नहीं खाना, ना ही पपाया यानी पपीता भी नहीं खाना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है किसी भी हालत में, नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो सकती है। और दोस्तों आपको कोई भी फास्ट फूड बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी है, और कच्चे चीज़ें कच्चे चिकन कच्चे मटन ये सारी चीज़ों खाने से आपको बचना है। दोस्तों प्रेगनेंसी में फूड क्रैविंग भी होती है, यानी कि आपको बहुत तरह की चीज़ें खाने की मन करेगी, कच्चे चीज़ें भी खाने की मन करेगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो आपको करनी थी और नहीं करनी थी, कुछ चीज़ें आपको करना था कुछ चीज़ें नहीं करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, अगर आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूले, ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये सारी चीज़ों को जान सके। और दोस्तों अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले और घंटे के बटन को ज़रूर क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड